हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम नवरात्रि के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ चटपटे आलू। इसके लिए एक पैन को गरम किया है, उसमें 2 चम्मच घी डाला और 1/2 चम्मच जीरा डाला है, 1 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाली है। इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। ये आलू की सब्ज़ी या आलू चाट आप दही के साथ या हलवे के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। लगभग 1/2 किलो आलू को मैंने बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। अब इसमें हम उन्हें डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, 1 नींबू का रस और ये सेंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। एक मुट्ठी भर मैंने मूंगफली डाली है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊपर से कटा हुआ धनिया डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लगभग 5 मिनट के लिए इसे ढक कर पका लें। हमारी सूखी आलू की सब्जी रेडी है। एक बार इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें। आप इसे पूरी के साथ, रायते के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं गाजर की खीर। इसके लिए एक पैन को गरम किया है, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसे अच्छी तरह गरम होने दें। दो गाजर मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, इसे भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, लगातार चलाते रहें। लगभग 5-7 मिनट भूनने के बाद गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इस तरह से घी में भूनकर अगर हम खीर बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साइड में मैंने 1 लीटर दूध को अच्छी तरह गर्म किया हुआ था, उसे अब गाजर में ऐड कर देंगे। और जब तक अच्छी तरह से बॉईल आ जाए इसे लगातार चलाते रहें। एक अच्छा बॉईल आने के बाद गैस को सिम कर दें और लगभग 10 मिनट तक इसे पका लें। अब ये थोड़ी थिक हो गई है। यहाँ हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी, जो आप टेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और थोड़े केसर के स्ट्रैंड्स मैंने डाले हैं जो पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। 5 मिनट तक और इसे पका लें ताकि ये अच्छी क्रीमी और थिक हो जाए। गाजर की खीर लगभग रेडी है। इसे गरम एंजॉय करें या फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाएं, तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।